नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2019 अक्टूबर मंथ का ये करंट अफेयर है और टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने इसके लिए हैं जो NTPC ग्रुप डी और अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले UAIDAI है क्या? UIDAI यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, ध्यान रखना है ये, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज कुमार को। पंकज कुमार को इसका वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की लक्ष्मी योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, उपरोक्त दोनों, तो पीवी सिंधु और दीपिका पादुन को भारत की लक्ष्मी योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी भारत की लक्ष्मी योजना है क्या? भारत की लक्ष्मी योजना ये है, यदि किसी के मोहल्ले पड़ोस में कोई स्त्री या महिला इस तरह का कोई काम कर रही है जो देश हित के लिए हो या जनहित के लिए हो, तो उसकी आप स्टोरी बना के आप सोशल साइट पे डाल सकते हैं, जिससे और लोग भी उससे प्रभावित हो सकें। ये है भारत की लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, प्रमोद कुमार दास को हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री की अगर हम बात करें तो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, जो प्रेजेंट टाइम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2021 के बाद से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने की घोषणा कर दी गई है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, असम सरकार ने 2021 के बाद दो से अधिक बच्चों वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने की घोषणा कर दी, और ये सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, इससे पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नए ऊर्जा सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, संजीव नंदन साय। हाल ही में नए ऊर्जा सचिव संजीव नंदन साय को चुना गया है। इससे पहले जो थे वो थे सुभाष चंद्र गर्ग, ये आपको ध्यान रखना है, पहले थे सुभाष चंद्र गर्ग और अब चुना गया है संजीव नंदन साय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में दो गोल्ड मेडल जीते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आनंदन गुणशेखरन, ये पैरा एथलेटिक हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स जो हो रहे हैं ये कहाँ हो रहे हैं? चीन के वुहान शहर में हो रहे हैं, और ये पहला मौका है जब भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखना, ये जो आनंदन गुणशेखरन है ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, इन्होंने वहाँ दो गोल्ड मेडल जीते हैं और ये भारत के लिए पहला मौका है, चीन के वुहान शहर में हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, ब्रजराज शर्मा। इससे पहले कौन थे? इससे पहले बनाया गया था असीम खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में BSNL को किसके साथ विलय की मंजूरी मिल गई है? BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, MTNL, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड। इससे दोनों को मिला के BSNL को और
MTNL को मिला के एक साथ विलय करने का फैसला किया है सरकार ने, क्योंकि BSNL और MTNL दोनों ही घाटे में चल रही है, सबसे अधिक घाटे में BSNL है। तो पहले हम BSNL की बात करेंगे, तो BSNL के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं पीके पुरवार। BSNL की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 2000 में, सन 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी, और हेड है पीके पुरवार। और MTNL की अगर बात करूँ मैं, महारत्न टेलीकॉम निगम लिमिटेड की, तो इनकी हुई थी 1986 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो और इसके हेड कौन है, MTNL के हेड हैं सुनील कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके मुख्यालय की अगर बात करें तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ट्यूसिनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, काइस सैयद। ट्यूसिनिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं काइस सैयद, और जोको विडोडो जो बने हैं वो बने हैं इंडोनेशिया के, ये आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया, कन्फ्यूज नहीं होना है, काइस सैयद बने ट्यूसिनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सिंध प्रदेशन सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, राजस्थान। हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान में सिंध सुदर्शन सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गिरीशचंद मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अगर बात करें, देखो ये यूनियन टेरिटरी है, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बन गया है, तो वहाँ पे अब ये राज्यपाल हैं। और अगर हम बात करें सीधा आर के माथुर की, तो वो बनाए गए हैं लद्दाख के, और वो उपराज्यपाल बनाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपाल मलिक को जानते हो, पहले जम्मू कश्मीर के थे, अब इन्हें गोवा शिफ्ट कर दिया गया है, गोवा के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 10वीं ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक धन में भारत का कितने % योगदान है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, 7%। तो सबसे ऊपर इसमें अमेरिका है, अमेरिका का योगदान 45% है, ठीक है। दूसरे नंबर पर चाइना है, चाइना का 21% है। तीसरे नंबर पे इंडिया है, इंडिया का जो वो है वो 7% है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, सही आंसर है इसको ऑप्शन नंबर टू, ई इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप उन्होंने लॉन्च किया है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने, प्रदूषण को जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी फिच रेटिंग में के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, फिच रेटिंग के अनुसार जो है 5.5 GDP रहने की उम्मीद है। और अगर बात करें 2020 की 2021 में तो ये हो गया, 2021 की बात करें तो फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग ही 6.2% उसकी रेटिंग होगी भारत की GDP की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार के रूप में चुना गया है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में विदेश मंत्रालय में अशोक मलिक को नीति सलाहकार के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, ध्यान रखना है 2020 की अगर बात करें, देखो 2019 की बात करें तो उसमें भारत 77वें स्थान पर है, ठीक है। और अगर 2020 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड,
ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। और यहाँ भारत जो है 63वें स्थान पर रहा, तो पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा न्यूजीलैंड, ठीक है, और वहीं अंतिम स्थान पर कौन रहा लास्ट पे? तो लास्ट पे रहा है सोमालिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2019 में भारत का क्या स्थान है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड 32। ठीक है, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2019 में भारत का 32वां स्थान है। ये आपको पता ही होगा पेंशन इंडेक्स क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब के बाद जो कुछ पैसा दिया जाता है मंथली रूप में गवर्नमेंट की सर्विस करने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, इल्हाम तोहाती। इल्हाम तोहाती को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी सखारोव पुरस्कार क्या है? ये सखारोव पुरस्कार ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा पुरस्कार है ह्यूमन राइट के क्षेत्र में। तो ये इल्हाम तोहाती जो है ये कहाँ से हैं? ये चीन से हैं। तो इन्होंने वहाँ के मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ किया था और आंदोलन किया था। आंदोलन करते करते इनको चीन सरकार ने जेल में भी उम्र कैद की सजा इन्हें सुना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने कन्या सुमंगल योजना शुरू की है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कन्या सुमंगल योजना शुरू की है। ये है क्या आप कन्या सुमंगल योजना? जिस परिवार की आय वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, अगर उस परिवार में किसी लड़की का जन्म हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी आर्थिक सहायता करेगी। वो कैसे करेगी? सबसे पहले जन्म के तहत उसे 2000 रुपये दिए जाएंगे, 1 साल बाद फिर उसे टीका लगाया जाएगा, 1000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद जब लड़की इंटरमीडिएट में आ जाएगी उसके लिए इसको फिर 2000 रुपये दिए जाएंगे, और यदि वो ग्रेजुएट करना चाह रही है ग्रेजुएशन करना चाह रही है अगर ग्रेजुएट करती है ग्रेजुएशन करती है तो 11000 फिर उसको वहाँ रुपये दिए जाएंगे। तो कुल मिला के उसको एक लड़की को कितने रुपए दिए जाएंगे? 16000 रुपये दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना आपको, 16000 रुपये की उत्तर प्रदेश सरकार इसकी मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, HPCL और PGCIL दोनों को ही महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। PGCIL क्या है? पावर ग्रिड कॉरपोरेट लिमिटेड। तो इन दोनों को क्या दिया गया है? महारत्न का दर्जा। पहले ये कंपनी नवरत्न थी, पहले नवरत्न कंपनियों की संख्या थी 16, अब उनकी संख्या हो गई है 14। पहले महारत्न की थी 8, अब महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 10। और अगर बात करें मिनी रत्न की, तो मिनी रत्न की जो संख्या है वो है 73, मिनी रत्न की संख्या होगी 73। तो इन दोनों को चुना गया। और हम बात करें महारत्न कंपनियों की, तो देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं। ये देखो, सबसे पहले NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और उसके बाद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर बेहल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड IOCL, और कोल इंडिया लिमिटेड CIL, उसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL, और उसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और दो मैंने अभी आपको बताई है, एक HPCL और एक PGCIL पावर ग्रिड वाली। तो ये कुल मिला के अब 10 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। और अब जो
नवरत्न कंपनियां बची हैं वो 14 कंपनियां और मिनी रत्न 73 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी से हैं, ये जेजेपी पार्टी के प्रमुख हैं, ठीक है, और इन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में हरियाणा के शपथ ली है। तो वहाँ के सीएम कौन है? सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे एनएचएआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू को एनएचएआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। एनएचएआई आप जानते ही हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मंत्रालय किसके अंडर्स में रहता है? नितिन गडकरी के, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2019 में जारी फोर्ब्स की वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। देखो अभी तक उससे पहले अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ऊपर चल रहे थे, फिर से अब बिल गेट्स नंबर वन पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा में छूट देने की घोषणा कर दी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने भारतीयों को वीजा में छूट देने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिनमें से तीन में ही पूछा जाएगा, एक तो इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नागेंद्र नाथ सिन्हा। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट का नया सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सीबीएसई और एनसीईआरटी ने किस कक्षा के लिए तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू किए हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर, नाइन्थ और टेंथ के लिए सीबीएसई और एनसीईआरटी ने तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू किए हैं। तो तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या? देखो ऐसा होता है, बच्चे नाइन्थ में आके साइड को चूज नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी साइड ले जाए कैसे। तो इस टेस्ट से उनका पहले से ही उनकी रुचि का पता चल जाएगा कि वो किधर कॉमर्स के साइड क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, साइंस के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं या आर्ट के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों पर वन टच एटीवीएम सेवा शुरू की है? तो वन टच एटीएम सेवा जो की है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 42 स्टेशनों पर। और 42 स्टेशनों पर कितनी मशीनें रखी गई हैं? 92। 42 स्टेशन पे 92 लगभग 2 का एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड डेव टेनिस चैम्पियनशिप 2019 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी शेखर। पृथ्वी शेखर ने वर्ल्ड डेव टेनिस चैम्पियनशिप, अब ये डेव क्या होता है? डेव होता है जो लोग सुन नहीं पाते, बहरे एक तरह से, तो उनके लिए चैम्पियनशिप थी टेनिस की, तो इसमें पृथ्वी शेखर ने इसको जीता है। अभी कुछ दिन पहले ही 2019 की अगर बात करें, मिस डेफ 2019, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये किसे चुना गया था? ये चुना गया था विदिशा बालियान को। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी भी है गांधीनगर, उसे केरोसिन मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन इराक में
भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, वीरेंद्र सिंह यादव। हाल ही में इराक में भारत के राजदूत वीरेंद्र सिंह यादव को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पुनः बोलीविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, एवो मोरालिस को बोलीविया का राष्ट्रपति चुना गया है। तो जेको वडोडो मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया के हैं, स्कॉट मॉरिसन जो है प्रधानमंत्री कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, एवो मोरालिस है ये, और एंटोनियो कोस्टा जो है ये कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों पीएम हैं ध्यान रखना, और वो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गाम्बिया में कौन भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, गोंडावर्ती वेंकेट श्रीनिवास को गाम्बिया के उच्चायुक्त चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो परिवार योजना शुरू की है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा सरकार ने मो परिवार योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 2021 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, टर्की जो है 2021 में इंटरपोल महासभा की मेज़बानी करेगा। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। क्या काम होता है इसका, यदि एक देश से कोई भी किसी देश को क्षति पहुँचा के किसी दूसरे देश में पहुँच जाता है तो इंटरपोल द्वारा या इंटरनेशनल पुलिस द्वारा उसे उस देश से पकड़ा जा सकता है। तो 2021 में यहाँ हुआ था, और 2019 की अगर बात करें तो चिली में हुआ था, चिली की राजधानी सांतियागो में, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में कब होगा, 2022 में इंटरपोल की महासभा भारत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का नया अध्यक्ष चुना गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अरविंद सिंह को। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का नया अध्यक्ष अरविंद सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मोजाम्बिक के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फिलिप न्यूसी मोजाम्बिक के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, फिलिप न्यूसी। हाल ही में किस राज्य ने दीपोत्सव में गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। सही आंसर है इसको ऑप्शन नंबर ए, दीपावली उत्सव पर यूपी राज्य ने 5.51 लाख दीवे जलाकर रिकॉर्ड दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्टो फर्नांडिस को हाल ही में अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिकन ग्रैंड पिक्स 2019 किसने जीती। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन ने, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बेल्जियम की पहली महिला पीएम कौन बनी है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, सोफी विलम। हाल ही में बेल्जियम की पहली महिला पीएम सोफी विलम बनी हैं, और बेल्जियम की राजधानी जो होती है वो है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाटो का मुख्यालय भी वहीं पे है। हाल ही में किस देश ने आईएसआईएस सरगना अब बर्क अल बगदादी को मारने के लिए किस देश ऑपरेशन कायला म्यूलर चलाया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड,
अमेरिका ने ऑपरेशन कायला म्यूलर चलाया था। तो ऑपरेशन कायला म्यूलर जो है ये एक रिपोर्टर थी, ठीक है, जिन्हें बगदादी ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने भागवत गीता और मार्कंडेय पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, विवेक देवोराय ने भागवत गीता और मार्कंडेय पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह और गर्भपात को कानूनी वैधता दे दी है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी आयरलैंड। ध्यान रखना ये आयरलैंड नहीं है, उत्तरी आयरलैंड है। उत्तरी आयरलैंड ने समलैंगिकता विवाह और गर्भपात को कानूनी वैधता दे दी है। और अगर बात करें वर्ल्ड में सबसे पहले किसने दी है, तो सबसे पहले दी थी नीदरलैंड ने। उसके बाद अगर बात करें एशिया, एशिया में किसने दी है, तो वो दी ही ताइवान ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मोक्ष गिस्सी मासी को बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में भारत के किस देश के साथ नौसेना अभ्यास एमनेक्स 2019 का आयोजन करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, म्यांमार के साथ। भारत म्यांमार के साथ एमनेक्स 2019 का आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रजनीश कुमार को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये एसबीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पुस्तक मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैम्पियंस लाइफ किसने लिखी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, विश्वनाथ आनंद ने इसको लिखा है। और इन्हें ही सबसे पहले इसका राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किसने किया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। हाल ही ने कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन जो किया है वो राजनाथ सिंह ने किया है। और कौन सी नदी पे किया है, ये किया है श्योक नदी पे, ठीक है। और ये कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु, ये क्या है, कर्नल चेवांग रिंचेन जो है नाम है एक शहीद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंटरपोल की 2022 में जनरल असेंबली का आयोजन किस देश में होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की किस फिल्म ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में पुरस्कार जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, गली बॉय और दिल्ली क्राइम दोनों ही ने ही एशियन एकेडमी क्रिएटिव में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना मोती किस देश में पाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात या यूएई में दुनिया का सबसे पुराना मोती पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जी ट्वेंटी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, जापान में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2019 को किसने जीता? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कैंटो मोमोता ने डेनमार्क ओपन 2019 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रौनक साधवानी। ये 65वें ग्रैंड मास्टर हैं और ये नागपुर से हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं 64वें कौन से हैं, 64वें हैं पृथु गुप्ता जो कि नई दिल्ली से हैं। और अगर बात करें 63वें की, तो 63वें हैं ग्रीस कौशिक, ये आपके कर्नाटक से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत किस वर्ष इंटरपोल महासभा, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? NSG। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली, नई दिल्ली में। तो किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, अनूप कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिरोही लिली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में सिरोही लिली उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के पहले अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की अनुशंसा की गई है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर, शरद अरविंद बोबड़े। ये देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, और अगर 46वें की बात करें तो 46वें जो अब हैं वो हैं रंजन गोगोई। इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आज लिया है जो राम मंदिर से रिलेटेड था, जहां अब राम मंदिर, उस पीठ में रंजन गोगोई के साथ शरद अरविंद बोबड़े भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सेरेना विलियम्स। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर सेरेना विलियम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 2020 से बड़ी डिजिटल कंपनियों पर वेब टैक्स लगाएगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली इस पर वेब टैक्स लगाएगा बड़ी कंपनियों पर, डिजिटल कंपनियों पर। उससे पहले गाफा टैक्स लगाया था, ये किस देश ने लगाया था गाफा टैक्स? तो सही आंसर है इसका गाफा, फ्रांस ने। तो गाफा टैक्स लगाया था वो फ्रांस ने, अगर वेब टैक्स की अगर बात करें तो वो इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर, अनूप कुमार मेंदीरत्ता को। अनूप कुमार मेंदीरत्ता को कानून सचिव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, 82 स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 से 18 अक्टूबर तक अंडमान और निकोबार कमांड से कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, DANX-19 जो है ये आयोजित किया जाएगा 14 से 18 तक अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 11वां परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर, नई दिल्ली। 11वां परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9,00,000 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस। रिलायंस जो है वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है भारतीय पूंजी बाजार में 9,00,000 करोड़ को पार करने वाली, जो मुकेश अंबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 अक्टूबर को चौथे भारत एशियन बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मनीला में। 19 अक्टूबर को चौथे भारतीय एशियन बिजनेस समिट का आयोजन मनीला में किया गया। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडोनेशिया जो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जिसका अब कालीपट्टम में जो है चेंज कर दिया गया है इसकी राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक का नया प्रमुख किसे चुना गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिस्टीन लेगार्ड को। क्रिस्टीन लेगार्ड को यूरोपियन सेंट्रल बैंक का नया प्रमुख चुना गया है। और इससे पहले ये किसकी प्रमुख थी? IMF की। पहले ये IMF की प्रमुख थी, अब इन्हें यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रमुख बना दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 अक्टूबर से भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, 19 अक्टूबर से भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, भारत की रैंक बहुत ही ख़राब रिजल्ट रहा है भुखमरी में, तो भारत की रैंक 102 रही है। पाकिस्तान की भी हमसे सही है, उसकी 94 रही है। भारत के सभी पड़ोसी देशों की भारत से जो भुखमरी की रैंक है वो कम रही है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उनका। नेक्स्ट, और अगर बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर पर कई देशों को एक साथ ग्रुप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 65वें ग्रैंड मास्टर मैंने अभी आपको बताया था रौनक मसाधवानी, और ये 64वें हैं पृथ्वी गुप्ता, गिरीश जैन जो है 63वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2030। भारतीय रेलवे में 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा की है 2030 तक, और एक घोषणा और की है भारतीय रेलवे ने कि 2024 तक सभी के घर में स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में IMF ने 2019-2020 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, 6.1। IMF ने 2019-2020 के लिए GDP वृद्धि दर 6.1 रहने का अनुमान लगाया है, और RBI ने भी बिल्कुल सेम यही बताया है कि 6.1 भारत की 2019-20 में रहेगी। परंतु फिंच रेटिंग की अगर मैं बात करूं, तो फिंच रेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने 5.5% भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, दोनों को। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बुकर पुरस्कार दो लोगों को मिला है, आज तक किसी दो लोगों को बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। तो पहला ऑप्शन है इसका मार्गरेट एटवुड, और दूसरा है बर्नार्डिन एवरेस्टो, इन दोनों को ही बुकर पुरस्कार मिला है। तो इन्हें क्यों मिला है ये आपको भी बता देते हैं दोनों की रचने के लिए। तो मार्गरेट एटवुड को मिला है हैंडमेड टेल्स के ऊपर, साहित्य के ऊपर इनको मिला है, और बर्नार्ड एवरेस्टो को मिला है गर्ल वुमेन और अदर्स, ये इन्होंने लिखा है तो इसके लिए इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, 15 अक्टूबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 15 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जो कि APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वैसे 15 अक्टूबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, वो भी वर्ल्ड लेवल का। अगर भारतीय शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 सितंबर को, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, देखो 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और अगर बात करूँ 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गलती से बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसकी थीम क्या थी ये आपको ध्यान देखना है, थीम थी रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेसिलेंस, ये इसकी थीम थी वर्ल्ड किसकी, जो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। हाल ही में ट्यूसिनिया देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, मैंने बताया आपको काई सैयद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत देश और किस देश के वायुसेना के बीच युद्ध अभ्यास सिन्यू मैत्री का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जापान। देखो धर्म गार्जियन, सिन्यू मैत्री, इन दोनों का आयोजन जापान के साथ किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर रायतू भरोसा या बंधु योजना लॉन्च की है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, आंध्र प्रदेश ने। इसमें क्या है, ये किसानों के लिए है, ठीक है। इसमें 13,500 रुपये एक साल में दिए जाएंगे, और 13,500 रुपये में 6,000 रुपये तो केंद्र सरकार देगी, और बाकी के 7,500 स्टेट सरकार किसानों को देगी। ये आपको ध्यान रख लेना है। और वाईएसआर पार्टी आपके वहाँ पे जीती है, इसलिए वाईएसआर के नाम से ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2018-19 किस प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, प्रियदर्शन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शिरोई लिली महोत्सव 2019 कहाँ मनाया गया था? ये अभी मैंने आपको बताया, सही आंसर ऑप्शन नंबर टू, मणिपुर में, दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, नोएडा, नोएडा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसकी इमेज थीम देख लेते हैं, इमेजिन ए न्यू कनेक्टेड वर्ल्ड इंटेलिजेंस इमर्सिव एंड इंटेंसिव। हाल ही में विश्व छात्र दिवस, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, अभी मैंने आपको बताया था, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को दो दिवस मैंने आपको बताए थे, विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, और दूसरा था राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको पता ही है, उसकी थीम मैंने आपको बताई दी थी। अब तो आगे के दिवसों के बारे में हम देख लेते हैं। 15 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है, वर्ल्ड मैथ डे, मैथ्स डे, विश्व गणित दिवस, और फिर 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जो कि हमारी चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में नारा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पुलिस स्मरण दिवस ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे, और फिर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को वो हुआ था, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल इंटरनेट डे, जो आज की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट डे होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरनेट के कोई इंसान ऐसे जीवित रहता है जैसे कि उसे रोटी ना मिली हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS अधिकारी कौन बनी है? तो सही आंसर है इसको ऑप्शन नंबर ए, प्रांजल पाटिल, प्रांजल पाटिल। तो ये कहाँ बनी है? ये बनी है केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में, जो उसकी राजधानी भी है केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बहरी इंटरनेशनल सीरीज में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, प्रियांशु रजावत ने। अगर पुरुष एकल की बात करी तो प्रियांशु रजावत ने जीता, अगर मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड दोनों ने जीता है, जूही देवगन और वेंकट गौरव प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है विश्व की पहली एयरलाइन है, ऐसी है जिसने टैक्सी बोट का उपयोग किया है। और ये टैक्सी बोट होता क्या है, ये जहाज को रनवे तक लाने का काम करती है, जहाज को रनवे तक लाने का काम करती है टैक्सी बोट। और मैं आपको बताऊं, एयर इंडिया ने अभी एक स्लोगन भी किया था, ओंकार, जो उस चिन्ह होता है वो इन्होंने अपना चिन्ह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत से कितने विरासत स्थलों को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2019 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के लिए चुना गया है? भारत से कितने चुने गए हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर एक, चार को चुना गया है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ अवार्ड में। नंबर एक है अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, ये जो मुंबई में है इसको चुना गया है। दूसरा है केंसित इल्याहू शिवनाग मुंबई, ये भी मुंबई में ही है, ठीक है। इन्हें दोनों को मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट। और अगर हॉर्नेवल मेंशन की बात करें तो वो किसे चुना गया है? फ्लोरा फाउंटेन, फ्लोरा फाउंटेन। तो
ये कहाँ है, ये भी मुंबई में है। और नेक्स्ट है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, ये चुना गया है विक्रम साराभाई लाइब्रेरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये कहाँ है अहमदाबाद इंडिया में। और ये सभी चारों इंडिया के हैं, तीन मुंबई में है, चौथा है आपका अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मास्टर कार्ड की टीम कैशलेस अभियान को किसने लॉन्च किया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर एक, किशन दान देवल को जॉर्जिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार किस राज्य में पशुधन की संख्या सर्वाधिक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मनुष्यों की संख्या किसमें है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो पशुओं की संख्या भी वहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि जितने तो ये पहले नंबर पर रहा था, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश। अगर बात करें बढ़ोतरी की, तो बढ़ोतरी जो करी है सबसे ज़्यादा वो करी है उत्तर प्रदेश ने 4.6%। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में किन देशों को ICC सदस्यों के रूप में फिर से शामिल कर लिया गया है। दो देश थे, उन्हें जो बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें दोबारा से शामिल कर लिया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, उपयुक्त दोनों, जिम्बाब्वे और नेपाल को दोबारा से शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर बताना है कि हाल ही में लेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में साफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर एक, भारत। भारत ने साफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप जीत लिया है, और इसका रनर अप जो रहा है वो रहा है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की किस महिला ने ताइक्वांडो में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए देता हूँ। दो क्वेश्चंस आपके लिए हो गए हैं, जो क्वेश्चन ऑफ द डे होंगे, तो जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी विश्व दान सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया है, तो सबसे पहले नंबर पे USA रहा है, जिसने 45% विश्व आर्थिक को दान दिया है, विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारा है। दूसरे पे चीन रहा है, जिसने 21%, और तीसरे पे अपना सबसे बड़ा दानी देश भारत रहा है, जिसने 7% योगदान दिया है। अपना देश तो शिमल नहीं रहा। उसके बाद चलते हैं आगे, हाल ही में वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाकर विश्व का सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर टू, यशस्वी जायसवाल वनडे क्रिकेट में सबसे युवा बल्लेबाजी बन गए हैं। हाल ही में भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी का नाम किसके नाम पर रखा गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक थे। और ये कहाँ है चेनानी नासरी, जम्मू से श्रीनगर के लिए तक बनाई गई है, और सबसे लंबी सुरंग है भारत की इस टाइम जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। अगर केंद्र शासित की अगर बात करें, तो केंद्र शासित में दिल्ली पहले पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर में पूर्वी भारत का पहला रोबोट सेफ रेस्तरा खुला है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट में 2019 में भारत की कौन सी रैंक है। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड,
इसमें भी भारत की थर्ड रैंक है। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? तो विदेशी कंपनियां भारत में 1 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार कर लेती हैं या भारत में ना किसी भी देश में, तो उन्हें यूनिकॉर्न की लिस्ट में रख लिया जाता है। तो पहले नंबर पर रहा है चीन, सबसे ज़्यादा विदेशी कंपनियाँ चीन में हैं, उसके बाद में भारत तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी, ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्ग दो संख्या 703AA का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, श्री गुरु नानक देव जी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पंजाब से रिलेटेड है, पंजाबी लोग रहते हैं वहाँ, तो इसलिए सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का नाम पर इसको रख दिया गया है। और ये CBSE NCERT का, ये मैंने आपको पहले बताया ही था, और ये लास्ट क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, 9th और 10th के लिए तमन्या एप्टीट्यूड। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और लाइक तो आप कर ही देना।